हेलो एंड वेलकम गाइस, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले से अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग डेडपूल एंड वॉल्वरिन को डिजिटली देखना चाहते हैं, यानी इंडिया में हिंदी डब में। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कब तक आपको देखने को मिलेगी और अभी की कंट्री रिपोर्ट क्या कहती है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये मूवी आपके नियर बाय थिएटर में रिलीज हो चुकी है, और किसी कारण से आप इस मूवी को अपने नियर बाय थिएटर में चेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आप ओटीटी पर देखना चाहते हैं, तो उन्हें बता दूं कि आपको थोड़ा सा लंबा करने को पड़ सकता है, क्योंकि ये एक मार्वल की मूवी है और मार्वल की जो मूवी है वो सर्विस पर हिंदी डब में इंडिया में रिलीज नहीं होती है, बल्कि वो डायरेक्टली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होती है। तो सवाल ये है कि हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कब तक देखने को मिल सकती है ये मूवी हिंदी डब में। तो बता दूं कि जो करंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो ऑफिशियली इस बारे में कंफर्मेशन तो निकल के नहीं आ पा रही है, लेकिन जो अपडेट है उसके मुताबिक डब वर्जन से वो आप सभी को इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अक्टूबर के एंड से पहले देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, मार्वल स्टूडियो की जो मूवीज है वो डिज्नी प्लस पर करीब 90 से 120 दिनों के अंदर रिलीज होती है। तो इस हिसाब से आपको अक्टूबर के एंड तक इसके डिजिटल प्रीमियर है वो इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि बाय चांस इसके हिंदी डब वर्जन को इंटरनेशनली वर्ल्ड सर्विस पर रिलीज कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको सितंबर के एंड तक देखने को मिले। तो जो भी हो, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं तो जाके थिएटर में कीजिए, क्योंकि थिएटर इस मूवी की काफी अच्छी है। स्पेशली मुझे इसकी 3D वर्जन है वो काफी अच्छा लगा। तो जो भी हो, अभी के लिए इतना ही अपडेट है। तो अगर इन फ्यूचर कोई और अपडेट निकल के आएगी इस बारे में तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में। एंटिल देन टेक केयर।